हेलो एवरीवन क्या आप नज़र दोष से परेशान हैं क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है या आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि छोटे छोटे एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं सो टुडे वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू आज हम एक ऐसे क्रिस्टल के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको प्रोटेक्शन के लिए सबसे ज्यादा काम आता है और उस स्टोन का नाम ब्लैक टर्मोलिन है सो so, आज ब्लैक टर्मिलीन में हम लोग कुछ एरियाज कवर करेंगे जैसे ब्लैक टर्मोलिन कहां पाया जाता है और वो किस तरह का मिनरल कॉम्पोजिशन रखता है सेकेंड इसकी पांच हीलिंग प्रॉपर्टीज क्या है थर्ड ये किस तरह से आप ब्लैक टोमोलिन को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं एंड फोर्थ हाउ डू यू क्लेंस इसकी क्लीनिंग प्रोसीजर क्या होती है ब्लैक टोमोलिन के क्रिस्टल की सो लेट स्टार्ट विद दिजिन ऑफ ब्लैक टोमोलिन ब्लैक टोमोलिन कैन बी फाउंड इन वेरियस लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब मेनली फ्रॉम ब्राजील अफ्रीका अफगानिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स और ये इंडिया में भी पाया जाता है कुछ स्टेट्स में जैसे झारखंड उड़ीसा और तमिलनाडु यहाँ पर से जो ब्लैक टूमलिन निकलता है जो इंडिया स्पेसिफिक है उनमें माइका का इंक्लूजन भी होता है अब इसकी मिनरल कॉम्पोजिशन जानते हैं ब्लैक इज हैज मिनरल ऑफ आयरन एंड बोरॉन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से इस रीजन में पाया जाता है और ब्लैक टोमलिन का स्ट्रक्चर कॉलुमिन टाइप का होता है जो इंटरकनेक्टेड होता है ये ब्लैक क्रिस्टल के बारे में। सबसे पहले जो मैंने आपको आपको कहा था, वो एक शील्ड बनाता है आपके जिससे आप नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को दूर रख सकते हैं इट हेल्प्स यू इन साइकिक अटैक्स एज वेल एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सो फर्स्ट पॉइंट वॉज प्रोटेक्शन लेट्स नेक्स्ट पॉइंट

और प्योरीफिकेशन का जो काम है वो स्पिरिचुअली जिन लोगों को क्लेंजिंग और प्योरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें ब्लैक टर्मलिन की बहुत लोग मदद लेते हैं ब्लैक टोमलिन एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसम्यूट नेगेटिव एनर्जीज प्रमोटिंग अ वेरी पॉजिटिव एनवायरमेंट तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है प्योरिफिकेशन का लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेस रिलीफ ब्लैक टोमलिन अपने अराउंड अगर हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंजाइटी वो हम फेस कर रहे हैं तो ब्लैक टम्लिन हमें बहुत मदद करता है अपार्ट फ्रॉम दैट टेंशन और सेंस ऑफ कामनेस लेकर है. टेंशन हटाता है और सेंस ऑफ कामनेस लेकर आता है द नेक्स्ट बेनिफिट इज बेटर स्लीप आप ब्लैक टर्मलीन को अपने बेड साइड पर रख सकते हैं या आप इसे अपने पिलो के अंडर रख सकते हैं जिससे आपको नींद न आने की प्रॉब्लम अगर है तो ब्लैक टर्मलीन आपको एक सिक्योर और काम स्लीप दे सकता है सो दीज आर द फाइव प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लैक टर्मोलीन नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डू यू यूज ब्लैक टर्मलीन ब्लैक टोमलिन के बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं आप हर फॉर्म को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं लेट स्टार्ट विथ ज्वेलरी ज्वेलरी में ब्रेसलेट पेंडेंट्स रियर रिंग्स एंड रिंग्स के फॉर्मेट में आपको ब्लैक टोमलिन मिल सकता है अगर ब्लैक टोमलिन के ब्रेसलेट्स आप पहनते हैं तो ये आपको दिन भर आपके साथ रहता है एंड इट हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग द शेल्ड अराउंड यू थ्रू आउट द डे सो ब्लैक टोमलिन को आप ज्वेलरी फॉर्म में पहन सकते हैं सेकेंड इज कैरी इट इन योर पॉकेट और योर पर्स टू ब्लैक के छोटे छोटे इस तरह के टम्बल फॉर्म भी आते हैं तो ये जो टम्बल्स फॉर्म है ये आपको अपने साथ में या आप अपने, साथ में, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं जो लोग ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करते हैं वो लोग इसे अपने साथ कैरी कर सकते हैं तो भी आप एक प्रोटेक्शन शील अपने साथ कैरी कर रहे हैं उस तरह की आपको फीलिंग आएगी द नेक्स्ट वन इज दैट यू कैन प्लेस इट इन योर लिविंग और योर वर्क स्पेस हम ब्लैक टूमलिन के बहुत सारे दूसरे फॉर्म ऐसे हैं अगर आपको लगता है कि आप कैरी नहीं कर सकते हैं आप ऑफिस में ही होते हैं पूरे दिन या घर पर ही होते हैं तो आप

दूसरा है क्लस्टर फॉर्म सो so, ब्लैक टूबलीन इस तरह के क्लस्टर फॉर्म में भी आता है जो एक नेचुरल फॉर्म है तो जितना ज्यादा नेचुरल फॉर्म में आप क्रिस्टल को रखते हैं उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है सो so, आप क्रिस्टल को क्लस्टर फॉर्म में या इस तरह के रॉक फॉर्म में भी रख सकते हैं इसके बाद दूसरा तरीका ऐसा है कि आप एक प्रोटेक्टिव ग्रिड बना सकते हैं आजकल बहुत सारे ऑनलाइन ग्रिड्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पर आप क्रिस्टल्स को अलग अलग ग्रिड प्लेसमेंट्स में प्लेस कर सकते हैं तो उसमें आप पिरामिड यूज़ कर सकते हैं पेंसिल यूज़ कर सकते हैं टावर यूज़ कर सकते हैं और एक प्रोटेक्टिव ग्रिड बना सकते हैं ये ग्रिड जैसे आप इस तरह के टावर आप अपने घर के चारों कोनों में भी रख सकते हैं जिससे नेगेटिव एनर्जी का जो आपको प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है अपने घर को आपने शील्ड कर दिया है नेक्स्ट फॉर्म इज मेडिटेशन हम जब मेडिटेशन करते हैं ध्यान करते हैं तो आप इस तरह का जो फॉर्म है जैसे इसे पामस्टोन कहते हैं ये आपके हाथों में बहुत अच्छी तरह से फिट हो जाता है तो आप इसे पामस्टोन फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं या अगर आपको लगता है कि आपको अपनी एनर्जी आपके अंदर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी भर गई है और आप इसे निकालना चाहते हैं तो इस तरह की पेंसिल फॉर्म जो आती है उसमें आप इन्हें पेंसिल को इस तरह से होल्ड करके अपनी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हैं मेडिटेशन करते समय एंड वन मोर इंपॉर्टेंट फॉर्म इज वाइल स्लीपिंग हम जब सोते हैं तब भी हम जैसे मैंने कहा कि आप टम्बलिन जो ब्लैक टम्बलिन के टम्बल फॉर्म है वैसे भी आप इन्हें यूज कर सकते हैं तो ये है अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ब्लैक टम्बलिन और इसके अलग अलग यूजेस जहां पर आप इसे यूज कर सकते हैं हमें बहुत बार इस चीज का डाउट होता है कि हम ब्लैक टम्बलिन को क्लेंजिंग कैसे करें या तो मतलब इस क्लेंजिंग का मतलब हमारे क्लेंजिंग के वीडियो से आप देख सकते हैं क्लेंजिंग एक क्रिस्टल को करना जरूरी है क्योंकि क्रिस्टल एक एम्प्टी कप की तरह है जैसे आप उसमें एनर्जी जैसे आप पानी भरते हैं उसी तरह से नेगेटिव एनर्जी उसमें भरती जाती है और जैसे ही वो एक लेवल तक पहुंचता है फिर वो उसके बाद उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है एग्जैक्टली सेम वे ब्लैक टमलिन को भी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करने की आदत है तो उसे रेगुलर क्लेंजिंग करने की बहुत जरूरत है मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ जिससे आप ब्लैक टोमलिन को क्लेंस कर सकते हैं मैंने कुछ एमपैथ एंड हीलर्स को देखा है कि वो रेकमेंड करते हैं कि ब्लैक टोमलिन को आप नमक की कटोरी के साथ में रखिए जहां पर नमक एक बहुत अच्छा नेगेटिव uh, क्लेंजर है तो इमीजिएटली जैसे आपके नेगेटिव एनर्जीज एब्जॉर्ब हो रही है तुरंत वो क्लेंज भी हो रही है और वो नमक आप थोड़े थोड़े दिनों में आप चेंज कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट रनिंग वाटर आप क्रिस्टल्स को जैसे आपका ब्लैक टोमलिन है उसको रनिंग वाटर के अंडर रख सकते हैं ये बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देता है कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं जो पानी में नहीं डाल सकते हैं बट ब्लैक टमलिन को आप बिल्कुल डाल सकते हैं उसके अलावा आप स्मजिंग कर सकते हैं सेज से या पैलोसेंटो से तो आप उसको धुआं दिखाकर भी आ, क्लेंजिंग कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट उसे आ, जमीन में भी बरी कर सकते हैं और ब्लैक टर्मलिन को आप सेलेनाइट के साथ भी रख सकते हैं ब्लैक टर्मलीन और सेलेनाइट दोनों बहुत ज्यादा हैंड हैं चलते हैं बिकॉज ब्लैक टर्मलीन को और भी बहुत ज्यादा सेलेनाइट के साथ रखने की आदत बहुत ज्यादा लोगों को है बिकॉज सेलेनाइट इज ऑल्सो क्लेंजर इट हेल्प्स यू इन क्लेंजिंग तो जैसी नेगेटिव एनर्जीज आ रही है तुरंत उसे क्लेंज किया जा रहा है तो ब्लैक टर्मलीन आप सेलेनाइट के साथ भी रख सकते हैं एंड द लास्ट वे इज कीप इट और मून लाइट दोनों में ब्लैक को कोई दिक्कत नहीं है आप आराम से उनको ब्लैक सनलाइट में और मूनलाइट पे रख सकते हैं तो ये है क्लेंजिंग करने के अलग अलग तरीके सो so, ये थे सारे, सारे ब्लैक टर्मलिन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्पफुल हो अगर आप ब्लैक टर्मिलीन रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेस करना चाहते हैं तो आप शुभांजलि स्टोर के वेबसाइट पर जा सकते हैं डिटेल्स नीचे मेंशन किए हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुंबई में अगर आप हैं तो हमारे दो शोरूम्स हैं गोरेगा में और एक क्रूज वेस्ट में यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप इन टू आर शोरूम एंड लुक एट द ब्यूटिफुल कलेक्शन ऑफ ब्लैक टर्मोलीन दैट वी हैव थैंक यू सो मच